किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो बना रहे हैं मंडी डब वाली पे बिक्की भाई के पास। सामने जो आप गायें देख पा रहे हो, ये गायें कुछ तो इनके पास सेल के लिए अवेलेबल है और कुछ गायें इन्होंने सेल कर दी। पंजाब में मंडी डब वाली के एरिए में ये गायें बेचने का काम करते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर संपर्क करके आप इनसे HF ब्रीडेड गायें 30-35 लीटर वाली या HF क्रॉस गायें 18-20 लीटर वाली खरीद सकते हो। ऑल इंडिया की आपको डिलीवरी मिल जाएगी, जेनुअन काम मिलेगा। जितना दूध वीडियो में बोल रहे हैं गायें का, जिसका 30 बोल रहे हैं उसका 30 ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि 30 बोल दिया तो 20 या 22 रह जाएगा, जो बोल दिया वो जेनुअन है। इसीलिए लगातार मालवा फार्म पर वीडियो आ रही है। आपको पता है कि मालवा फार्म जेनुअन काम करता है, उन्हीं व्यापारी भाइयों की वीडियो बनाते हैं जो जेनुअन काम करें। उनमें से एक है बिक्की भाई, आइए इनके साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार सर, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। बढ़िया। आज मंडी पे कितनी गाय लेके आए थे? सर आज मंडी पे टोटल 15 लेके आए थे सर गाय। कितनी सेल हो गई? उनमें से 13 गाय सेल होगी, 2 बाकी है सर। कहाँ के लिए गाय सेल की है? सर 9 तो महाराष्ट्र के लौट दिए क्योंकि अपने पुराने ग्राहक आए थे, और 4 गाय अपने गुजरात के लिए दिए सर। जो गाय महाराष्ट्र के लिए सेल की है उसका एवरेज रेट क्या रहेगा? एवरेज रेट सर ऐसे मानो 70,000 से लेके 95 तक है सर, और दूध की कैपेसिटी ऐसे मानो सर 30 से लेके 40-42 लीटर सर। 40-42 की क्या गारंटी दोगे? 42 लीटर की मिल्किंग करवा के गाय दे सकते हो? हाँ जी सर, 2 टाइम 3 टाइम जितना टाइम बोलोगे उतना टाइम सर। अगर कोई भी ग्राहक इतनी मिल्किंग की गाय लेना चाहता है सर, जैसे अपने पास कच्ची गाय है तो उसका पहले टोकन दे दे सर, जब जनगी 3 टाइम 4 टाइम 40-42 लीटर चबा के फिर गाय ले जाए सर अपने से। रहने सहने की सारी सुविधा आपके पास उपलब्ध? हाँ जी सर, रहने सहने की फुल फैसिलिटी है सर अपने पास, और जो भी कस्टमर आता है सर अपना, ऐसे नहीं है सर भी आज का काम है, पीढ़ी से पीढ़ी दर चल रहा है सर। ऐसे मानो सर मेरे को खुद 7-8 साल काम हो गए सर करते को, और ऑल इंडिया में अपना माल जाता है सर, कहीं के भी कस्टमर है अपा उनको उनके वहाँ का सर रिव्यू दिलाएंगे, फीडबैक दिलाएंगे, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु का केला, कोई भी जगह का कस्टमर है तो उनको आप फीडबैक दिलाएंगे फिर अपने पास आए सर। तो गाय चला कर दिखा दीजिए। ये गाय कौन से लैक्टेशन में? सर अभी दूसरा ब्यांत है सर, सही 20 दिन की कच्ची है, 6 दांत है सर। क्वालिटी देखो सर, बॉडी वेट देखो, लगभग सर ऐसी गाय सर कहने को कितना मर्जी दूध बोल दे पर उनको अपन ने सर 40 लीटर की गारंटी से दी है सर। अभी 20 दिन पेंडिंग है सर, लंबाई देखो, हाइट देखो, वेट देखो सर गाय का कितना अच्छा है। अभी अंचल देखो सर, 20 दिन पेंडिंग है, अभी देखो गाय कितना अच्छा ऑर्डर करके रखा है सर, और 20 दिन में इससे डबल ट्रिपल कर देगी सर गाय की। क्वालिटी देखो, लंबाई देखो, और क्रॉस में है सर। क्या रेट में गाय? ये सर अपने 85 की दी है सर उनको सर, और बाकी जो खर्चा खुर्चा डाल के उनके घर पे पहुंचेगी सर वो अलग है, बाकी गाय की क्वालिटी पेट पुटा देखो सर कितना अच्छा है गाय का सर। ये गाय कौन से लैक्टेशन? ये सर अदंत है अभी मुंह से सर, अभी 2 दांत भी नहीं उठाए, अदंत कह सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र के कहते हैं अदंत केडी सर। अभी इसके भी 20-22 दिन पड़े हैं सर, ये अपन ने इसलिए दिए सर क्योंकि उनके वहाँ पे जाके टेम्परेचर में सेट हो जाए सर। कच्ची दी है, ब्रीडिंग देखो सर, क्वालिटी देखो कितना सुंदर फेस है, कलर प्रिंट देखो सर, अभी 20 दिन बाकी पड़े हैं, और कैसे इसने लगभग सर फर्स्ट में 25-30 लीटर दूध दे देना सर। क्वालिटी देखो सर कितनी अच्छी है। क्या रेट में गाय ली है? ये सर अपने 65,000 की दी है सर, अभी देखो ये सारे दिन निकालने हैं सर, ऑर्डर देखो कितना अच्छा है सर, देखो ये सारे निकालने हैं सर गाय ने। इस गाय के बारे में बता दीजिए सर, ये भी 6 दांत है सर, 8 के उठा रही है, अभी दूसरा ब्यांत है सर, और ऑर्डर देखो सर कितना शानदार लगा हुआ है इसको सर, कोई भी कहता है अभी ये 40-42 लीटर दे देगी, अभी 20 दिन बाकी है पर अपने 35 से प्लस की दी है जुम्मेवारी। क्वालिटी देखो सर, क्रॉसिंग में फैट भी इसकी लगभग 4.5 से प्लस ही आएगी सर, गाय की क्वालिटी देखो कितनी अच्छी है, ऑर्डर देखो, अंचल देखो सर मुट्ठी वाला लगा हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी की गाय है सर। क्या रेट में गाय लेके दी? ये सर ये भी 85 में गई है सर, ये पुट्ठे में से ली थी, जोटा लिया था 80-85 का सर। बाकी गाय का वजन देखो सर, जो भी गाय है सर अपने पतली नहीं दिलाई क्योंकि लंबा सफर है सर महाराष्ट्र में, 2200-2300 किलोमीटर जानी है, अच्छी बॉडी वेट की होगी गाय वो ही सर ट्रांसपोर्ट में जा सकती है इतनी दूर सर। बाकी ये सारे दिन पेंडिंग निकालने सर, ऑर्डर देखो कहाँ से स्टार्टिंग है सर,
और आगे भी उतना है और पीछे भी उतना ही है सर ऑर्डर। ये गए कौन से इलेक्ट्रिशियन में? ये सर अभी दो दांत है सर, मुंह से दो के दांत पूरे उठाए उठा रही है सर, इसके 20 दिन पेंडिंग है सर। क्या दूध कह रहे हैं? दूध सर ये आप कुछ भी बोल दे सर, 20-22 लीटर खुला दूध दे देगी सर। ये गाय की क्वालिटी देखो, चमक देखो सर, बहुत अच्छी है, अभी बछड़ी है सर, और हाइट देखो सर अभी कितनी कर रखी है, और दूसरे में दुगना कर जाएगी, और फेस क्वालिटी देखो सर कितनी शानदार है, और अंचल देखो सर कितना अच्छा है, और 20 दिन पेंडिंग है सर, आराम से 32-33 लीटर खुला दूध दे देगी सर। आप दूध क्या रेट में दी है? ये सर 65,000 की दी है सर अपनी, और गाय की क्वालिटी देखो सर फुल जेड ब्लैक है, और अभी बाकी दिन पड़े हैं सर, 20 दिन में कुछ और बन जाएगी। जो भी गुजरात का या महाराष्ट्र का कोई भी कस्टमर है सर, आप उसको यही कहते हैं भी कच्ची गाय ले सर, क्योंकि रफे में रास्ते में स्ट्रेच हो जाता गाय, जिसके जिसके कारण गाय जन जाती है, इसलिए कच्ची गाय लेके जाओ, जो रास्ते में ना कोई दिक्कत आए और घर जाके जने और उसी टेम्परेचर में दूध मेंटेन रखे सर। तो ये कस्टमर है जो राशि डेयरी फार्म पे आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार भाई। नमस्ते भैया, क्या हाल है? बहुत बढ़िया है भैया। सबसे पहले आप अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम मुनीर पटेल है, फुलंब्री तालुका जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कब आए थे राशि डेयरी फार्म पे? मैं सवेरे आया भैया। कितनी गाय खरीदी है अभी? हमने 9 गाय खरीदी और मेरे दोस्त साथ में आए हुए, उन्होंने 9 खरीदी, 18 गाय खरीदी हमने मिला के। गाय कैसी मिल गई? गाय बढ़िया मिली हमको, जैसी चाहिए थी वैसी मिल गई गाय, जैसा सोच के आए थे पूरा सेटिस्फाई हुए, सही निकला वैसा। और राशिद भाई का स्वभाव कैसा लगा? बहुत बढ़िया स्वभाव बंदे का। आपका खाने पीने का प्रबंध कैसा किया उन्होंने? सब कोई इंतजाम एकदम बढ़िया रहा। कोई धोखेधड़ी वाला काम तो नहीं? धोखेधड़ी वाला बात नहीं है, जितना दूध बो रहे हैं लग रहा है उतना दूध निकलेगा, आसपास निकल जाएगा, लीटर दो लीटर आगे पीछे हो जाएंगे बस। और जितना रेट वीडियो में बोला है उसी रेट पे गाय आपको लेके दी है? उसी रेट पे लेके दी गाय। जो भी सौदा करते थे आपके सामने करते थे? आप हमारे सामने सौदा करा, आपसे पूछ के किया कोई? किसी तो कोई सौदा नहीं किया? नहीं, हमने सामने सौदा किया। तो जो और कस्टमर महाराष्ट्र से आना चाहते हैं उन्हें आप क्या बोलना चाहोगे? मस्त चांगला मानूस है, और विकी भाव जैसा व्यवहारात कहीं फरक पड़त नहीं, ये भी महाराष्ट्र तुम येणारे गिरेगे त्यांनी बिंदा सिवून जा, काही धोखाधड़ी काही होत नहीं। हाँ जी, जैसे कि आपने सर कस्टमर से भी बात कर ली सर, जो भी अपा कहते हैं सर वही होता है सर, अपना मिसगाइड वाला नहीं है। जो अपने पास आए सर, पहले भी अपने से माल लेके गए सर, अभी दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं सर, इनको पूछो सर अपने कैसी गाय दी है और कैसा व्यवहार रखा है। जो भी कस्टमर है सर, सबसे पहले तो यही होता है सर, यहाँ पे आके रहना सहना और खाने पीने की अच्छा व्यवस्था हो, क्योंकि सर इतनी दूर से कस्टमर आता है, उसको रहने सहने की अच्छी व्यवस्था मिली तो फिर ही अच्छा रहता है सर। दूसरी बात है, जो भी गाय लिए ना सर, इनके अपने कोई ऐसे नहीं भी पर्दे में ले जाके जो कि सौदा किए, सामने सौदा किए सर, और जो भी किया है सर इनको पूछो, लगभग 2-3 गाय में तो इनको भी जितने की इन्होंने मांगी उससे कम ही दिलाई है सर अपन। बाकी सर राशि डेयरी फार्म, जो भी किसान भाई अपनी वीडियो देख रहे हैं राशि डेयरी फार्म पर आए, जिन्होंने मिल्किंग करके लेनी है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम भी मिल्किंग करे सर, अपने को कोई टेंशन नहीं है, जो बात बोलेंगे वही निकलेगी सर, 1-2 लीटर का तो हो सकता है। और मैं जो भी कस्टमर है, जो भी किसान भाई अपनी वीडियो देख लिए, उनका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सर।